आज हमारे पास सैमसंग का लेटेस्ट सैमसंग गैलेक्सी A55 5G एंड सबसे बड़े चेंज की अगर मैं बात करूं तो वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। पहली बार सैमसंग किसी भी A सीरीज के फोन में आपको मेटल फ्रेम दे रहा है और सैमसंग इसको बोल रहा है ब्रश्ड मेटल। देखने में भी ब्रश्ड मेटल जैसा लगता है, अगर आप अपने इस पे फिंगर्स चलाओगे ना तो भी आपको वैसा ये फील होगा। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस। अब गलती से फोन कभी गिर जाता है, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि बिना केस के इस फोन को यूज करो, बट यस कभी यूज कर रहे हो और गिर जाता है तो थोड़ा आप पीस ऑफ माइंड लेके चल सकते हो कि एकदम से टूटेगा नहीं या स्क्रीन क्रैक नहीं होगी या बैक क्रैक नहीं होगा, क्योंकि काफी ड्यूरेबल होने वाला है ये फोन। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी रखी है सैमसंग ने इस बार। अब अगर मैं बात करूँ इसकी डिस्प्ले की, लास्ट सीरीज में भी ये बात हुई थी जब A54 आया था कि बेजल्स और नॉच और वो सब थोड़ा सा इशू और कंसर्न लोगों को थे। इस बार मैं कहूँगा बेजल्स अभी भी हैं, एकदम कम नहीं करे हैं। अगर मैं बात करूँ प्राइस पॉइंट के हिसाब से 40,000 के फ़ोन में और भी कम बेजल्स हो सकती थी, लेकिन यस क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, चारों तरफ आपको एकदम यूनिफॉर्म बेजल्स मिलती हैं तो अच्छी लगती है। तो कंटेंट कंजप्शन हो गया या अगर आप नॉर्मली भी इस पर स्क्रॉलिंग कर रहे हो या ऐप्स यूज़ कर रहे हो तो आपको डिस्प्ले बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सैमसंग की डिस्प्लेज ऑब्वियसली पंची होती हैं, ये भी काफ़ी पंची है, काफ़ी अच्छे कलर्स हैं। 6.6 इंचेस इसका साइज है, फुल HD प्लस इसका रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का आपको हाई रिफ्रेश रेट भी मिलता है और साथ में HDR10 प्लस का सपोर्ट भी है। तो अगर आप नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो, उस पर सीरीज देखते हो, मूवीज़ देखते हो, तो नेटफ्लिक्स पे भी आप HDR कंटेंट को देख पाओगे, तो वहाँ कंटेंट कंजप्शन बहुत अच्छा हो जाता है इस फ़ोन पे। और आउटडोर कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ तो 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है जो इसकी टॉप मोस्ट ब्राइटनेस है। अगर मैं बात करूँ हार्श कंडीशंस में, नंबर में तो कम लगता है क्योंकि अभी फ़ोन आपको 2500 निट्स की दे रहे हैं, कई फ़ोन आपको 4500 निट्स की भी पीक ब्राइटनेस दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो बाहर अगर आप इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हो ब्रॉड डेलाइट में भी, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डिस्प्ले इवन दो बेजल्स थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन डिस्प्ले अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब बात करें चिप की, तो इसमें सैमसंग एक नई चिप यूज़ कर रहा है जो कि है खुद की उनकी एक्जीनोस 1484 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। तो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन से साउंड करता है कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होगी, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी, जो कि ये है। अगर मैं एंटूटू स्कोर्स की बात करूँ तो 7 लाख क्रॉस कर रहा है एंटूटू स्कोर। गीकबेंच सिंगल कोर मल्टी कोर दोनों स्कोर्स अच्छे हैं। इसकी हमने मेमोरी टेस्ट भी की है, जो इसकी मेमोरी स्पीड्स हैं रीड एंड राइट वो भी अच्छी स्पीड्स आई हैं, लेकिन मेन चीज़ है वो है ऑप्टिमाइजेशन। अभी क्योंकि एकदम नई चिप है तो ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप गेमिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे BGMI की जो सेटिंग्स है ना वो है स्मूथ एंड हाई, जो कि 30 FPS गेमिंग है, एंड जिस हिसाब से इसके बेंचमार्क्स है ना उस हिसाब से इसकी गेमिंग बहुत अच्छी हो सकती है। नॉर्मल डे टू डे यूसेज में कहीं भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्नैपी फील होता है। अब कैमरास की बात करते हैं, ये जो सीरीज़ है या ये जो फ़ोन है ना, ये कैमरास के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। 3 कैमरास हैं इसमें और मैं बोल सकता हूँ कि तीनों कैमरास काम के हैं। 50 MP का प्राइमरी सेंसर है जो OIS सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आपको लो लाइट में अच्छी फोटोज़ मिलती हैं, स्मूथ वीडियोज़ आप रिकॉर्ड कर सकते हो। दूसरा जो सेंसर है, थैंकफुली एंड थैंक यू सैमसंग कि आपने 13 MP का एक वाइड एंगल कैमरा दिया है। यूजुअली कंपनीज क्या करती हैं, 8 MP का डाल देती हैं, जिससे ऑब्वियसली जो डिटेल है या शार्पनेस है फोटोज़ की अल्ट्रा वाइड में वो कम हो जाती हैं, तो अच्छा सेंसर मिल रहा है। और तीसरा सेंसर है 5 MP का मैक्रो सेंसर। अब 5 MP इवन दो कम साउंड करता है, लेकिन इट इज़ स्टिल बेटर देन 2 MP का मैक्रो या 2 MP का डेप्थ। तो अगर आप मैक्रो शॉट्स लेते हो तो दिस इज़ द बेस्ट यू कैन गेट मेरे हिसाब से। वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो 4K 30 FPS मैक्स आप रिकॉर्ड कर सकते हो रियर एज वेल एज फ्रंट कैमरा से। फ्रंट के लिए तो अच्छी चीज़ है क्योंकि वहाँ पे आपको यूजुअली 1080p रिकॉर्डिंग मिलती है, बट इस केस में आपको 4K 30 FPS फ्रंट कैमरा से भी मिलती है, जो कि 32 MP का सेंसर है। तो अगर आप फ्रंट सेंसर ज़्यादा यूज़ करते हो सेल्फीज़ के लिए या आप वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हो, रील्स बनाते हो फ्रंट फेसिंग कैमरा से, तो आप वहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो दोनों साइड 4K 30 FPS का सपोर्ट है मैक्स, जो आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। बैटरी बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों का, इसमें भी अच्छी बैटरी है, 5000 mAh की बैटरी है, 25 W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब वो 25-45 हो सकता था, बट सैमसंग फॉर सम रीज़न वो अपने फ्लैगशिप फोन्स में ही देता है। चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, केबल बॉक्स में है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉयड 14 इसमें मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, UI 6.1 है, जिसमें भर भर के आपको फीचर्स मिलते हैं, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट्स मैं बोल सकता हूं कि मेरा One UI स्कैन हो चुका है, और सैमसंग ने प्रॉमिस किया है 4 साल के मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स, मतलब एंड्रॉयड
18 तक आप इस फोन में यूज कर पाओगे, 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, जो कि काफी बढ़िया चीज है। तो सॉफ्टवेयर साइड पे सैमसंग बहुत बढ़िया काम कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट। IP67 ये रेटेड है फोन, तो पानी में अगर चला जाता है फोन, एक डेप्थ की लिमिट भी है, ये नहीं कि ओशियन में डुबा दो, बट या पानी में गिर जाता है, स्प्लैशेज हैं या बारिश में अगर आप फोन को यूज कर रहे हो, उस केस में इस फोन को कुछ नहीं होगा, ये प्रोटेक्टेड रहेगा। साथ में NFC का भी सपोर्ट है विद सैमसंग वॉलेट, जहां पे आप टैप टू पे कर सकते हो। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें आपको नॉक्स वॉल्ट भी मिलता है, जो कि हार्डवेयर लेवल पे, मतलब हार्डवेयर भी यूज करके अगर कोई लेट से कोई ऐसी केबल प्लग करता है विद सम सॉर्ट ऑफ अदर चिप फॉर हैकिंग है, कुछ भी हो सकता है टैम्परिंग के लिए, उससे भी आपके फ़ोन को ये प्रोटेक्ट करेगा, जो कि है नॉक्स वॉल्ट। तो वो हार्डवेयर लेवल पे भी काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर लेवल पे भी काम कर रही है चीज़ें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सिक्योर फोल्डर भी है इसमें, जहाँ पे आप अपना प्राइवेट पर्सनल डेटा आराम से सेफली रख सकते हो। देन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको स्कैनर इसमें मिलता है, जो कि काफ़ी फास्ट है, बहुत अच्छे से काम करता है। स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है डॉल्बी एटमॉस के साथ, कोई एडिशनल स्पीकर तो नहीं है इसमें, आपका जो ईयर पीस है वही आपका सेकेंडरी स्पीकर की तरह काम करता है। लाउडनेस अच्छी है, म्यूजिक कंजप्शन अगर आप करते हो ऑन स्पीकर्स या मूवीज देख रहे हो, टीवी शोज देख रहे हो, तो आपको डिसेंट एंटरटेनमेंट मिलेगा। हेडफोन जैक इसमें नहीं है, हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको इसमें मिलता है, तो या तो दो सिम लगा सकते हो या एक सिम और एक SD कार्ड आप लगा सकते हो। बेस वेरिएंट इसका स्टार्ट होता है 8GB 128GB से, एंड जिसका प्राइस है 40,000 रुपीज़। कुछ कार्ड्स HDFC का कार्ड मैंने देखा था, उसमें ऑफर चल रहे थे, तो वहाँ पे 3,000 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल सकता है, या किसी और वेंडर पे, या अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो तो मे बी आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेंगे। प्लीज़ आस्क फॉर दोज ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स, हो सकता है किसी ना किसी कार्ड में या किसी ना किसी तरीके से आपको इस फ़ोन पे डिस्काउंट मिले। 40,000 में अगर आपको कोई फ़ोन लेना होता तो आप कौन सा लेते हैं, आप कमेंट्स में बताओ। या इस फ़ोन को लेके कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको टेस्ट आउट कराना है इस फ़ोन में, या मैं आपको बताऊं टेस्ट आउट करके, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। बिना झिझक के यार बोल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको टेस्ट आउट करके बताऊंगा, कमेंट्स के थ्रू बता दूंगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हो, वहाँ पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हो कुछ चीज़ें, और कुछ भी जानना हो कमेंट्स में बताओ। बाकी अगर चैनल पे नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, पहली बार मुझे देख रहे हो YouTube पे, तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा लो, और बहुत सारे रिव्यूज़ आपको देखने को मिलते रहेंगे।